أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुब के साथ एक बार फिर हाजिर, मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, क़ुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगु फरमाते हैं, हमारे मुल्क के मुमताज़ और जैद उलमा तशरीफ़ लाते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। पीर मंगल बुध और जुमेरात चार दिन क़ुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर बात होती है, लेकिन जुमा और हफ्ता दो दिन सवाल व जवाब, आपके सवालात और मोहतरम मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, आज की आयत इंतहाई अहम आयत, हमारा बुनियादी अकीदा, हमारी ज़िंदगी, मसले ख़त्म नबूवत, सूरह अहज़ाब और आयत नंबर 40। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीयीन। ख़वातीन और हज़रात, क्या पस मंज़र है इस आयत का, ये भी हम जानेंगे अपने मौजूद मेहमान से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब, उनका निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ग़ुलाम उनके साथ, मुतबन्ना क्या उनकी बीवी से यानी मुतल्लिका से क्या शादी हो सकती है। अब ये मुतबन्ना कौन होता है, नसबी बाप तो नहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद के, एक ग़ुलाम थे हज़रत खदीजा ने सलामुल्लाह अलैहा आपको ख़रीदा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया, उनकी शादी हुई हज़रत ज़ैनब से, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन। ख़वातीन हज़रात, उससे पहले बात हो चुकी है हमारे किसी प्रोग्राम में पीछे के एतराज़ था हज़रत ज़ैनब को भी, उनके भाई हज़रत अब्दुल्ला को भी, कि ये तो बराबरी का रिश्ता नहीं है। लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर फ़ैसला सुना दें, तो किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये इख्तियार नहीं है कि वो उससे रूगर्दानी करे। ख़वातीन हज़रात, फिर हज़रत ज़ैनब ने बहुत ही बरज़ा और बखुशी वो निकाह हुआ, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मामलात ख़राब हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह फरमाया। एतराज़ात हुए कि ये क्या साबिका जो यानी माजी में ये बहू थी आपकी, क्योंकि आपके ले पालक बेटे की ये बीवी थी, तो इस रस्म बद को भी ख़त्म करना था कि हाँ, कि मुंह बोला बेटा असल बेटा नहीं होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे हलाल करार दे दिया वो क़यामत तक के लिए हलाल, जिसे हराम करार दे दिया वो क़यामत तक के लिए हलाल हराम। तो ख़वातीन हज़रात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ख़ातमुन नबीयीन भी हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये बुरी रस्म को, बुरे ख्याल को हटाना था। बहुत सारी बातें इस ज़ैल में होंगी, ख़त्म नबूवत के तकाज़े क्या हैं, एक उम्मती से तकाज़े क्या हैं, हमारा काम क्या है, और थोड़ी सी बात नामूस रिसालत पर भी करवाएँगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कौल याद आता है मुझे हज़रत इमाम मालिक का, वो फरमाते हैं कि वो उम्मत उम्मत कहलवाने की मुस्तहिक नहीं जो अपने रसूल की नामूस की हिफाजत ना कर सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत सारी बातें सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम,
साबिक मेंबर इस्लामी नदियाती काउंसिल, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, कई किताबों के मुसन्निफ। डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह अहज़ाब और आयत नंबर 40। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं मगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातमन नबीयीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब की खिदमत में इससे पहले के रखें हम आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल ये था कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस गज़बे में हुई। दुरुस्त जवाब गज़बे उहुद में। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मस्जिद की तामीर करवाई, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मस्जिद हराम या मस्जिद कुबा। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0092134527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092134390980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा एसएमएस का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0092321825014। डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए, ज़रा सा पहले पस मंज़र भी ज़रा सा आ जाए इस बात का, माकाना मोहम्मद अबा आदिम बिर रिजालिकुम, हज़रत ज़ैनब का वाक़या वगैरह, थोड़ा सा उसका ज़िक्र और उसके बाद फिर ये रिसालत और फिर ख़त्म नबूवत। अल्लाहु अकबर। इरशाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो बात है वो ये है कि इस्लाम आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तालीमात के ज़रिए नहीं बल्कि अपने अमल के ज़रिए भी बहुत सी रसूम जाहिलियत को आपने ख़त्म फरमाया। जी, उन्हीं में से एक रस्म ये थी कि किसी को अगर मुँह बोला बेटा बना लिया जाता था जिसको मुतबन्ना कहते हैं या हमारी उर्दू ज़ुबान में ले पालक कहते हैं कि लेके पाल लिया और उसको बेटा कहने लगे, लोग उसको बेटा समझने लगे, वो तो उसकी हैसियत एक वहाँ के रिवाजी तौर पे ये थी कि वो सगा बेटा यानी बायोलॉजिकल सन समझा जाता था, उसके बराबर उसको हकूक़ हासिल होते थे। और इसी तरह से जो जिसने उसको गोद लिया है, लेपालक है जिसका, औरत है या मर्द, तो वो गोया के मालिक के बजाय माँ और बाप का दर्जा रखा करता था और उसको जो हकूक़ हासिल होते थे वो बिल्कुल इसी तरह से थे जैसे अपने सगे औलाद को, बेटे और बेटियों को हासिल हुआ करते थे। और उसी के साथ साथ ये भी था कि वो महरम समझा जाता था घर के उन अफराद का कि जो इस्लाम ने जिनको कहा कि ये महरम है और ये महरम नहीं है उनकी तफरीक की। तो जब जनाबे जैनब बिनते जहश की मंगनी की और खासगारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से की, तो ये एक अरब के लिए, अहले अरब के लिए
और ख़ुद ख़ानदान के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि इतना आला ख़ानदान और उसमें लड़की की शादी जो है वो एक ग़ुलाम से, आज़ाद करदा ग़ुलाम से, मुतबन्ना से की जा रही है। बहरहाल मुतबन्ना थे तो जब शादी हो गई अल्लाह के हुक्म के बाद उन्होंने सर तस्लीम ख़म किया, ख़ानदान वालों ने, शादी हो गई। तो अब जाहिली रसूम के मुताबिक ये कंसीडर किया जाने लगा कि गोया ये बेटे हैं जैद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो फिर बहू हो गई और बहू जो है वो इस तरह से अबदी गोया महरम होती है इस्लाम के रूह से उसे। तो कोई तसव्वुर ही नहीं था कि कोई शख्स जो है वो अपनी बहू से शादी कर ले, ना जाहिलियत में ना इस्लाम में इस किस्म का दायरे का कोई तसव्वुर था। चुनाचे जनाब जैद बिन हारिसा जो थे वो उनको लोग पुकारते ही थे यब्न मोहम्मद, ए मोहम्मद के बेटे जी, ये कह के पुकारा करते थे। तो वो इब्न में और वलद में फ़र्क नहीं करते थे, वलद बायोलॉजिकल बेटा होता है और इब्न जो है वो किसी को भी मोहब्बत से कह सकते हैं कि अरे बेटे यहाँ ना इधर, बेटा ये काम कर दो कर दो, तो वो इब्न के माने थे। लेकिन यहाँ ये जो इस्तेमाल हुआ है तो वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे शादी कर दी तो इन्हीं आयात में ये आया कि दोनों में जब चकलिश रहने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जैद से फरमाया कि अपनी बीवी को रोक के रखो, यानी उसको तलाक न दो, अपने पास अपने उसमें रखो, हिबाले अक्द में रखो। यहाँ से उन चीज़ों की, उन बकवासियात की हम कहेंगे कि नफ़ी हो जाती है कि जहाँ मुस्तशरक़ीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई इत्तेहाम लगाने की या उसकी कोशिश की है कि अगर ऐसा होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की तरह इनक्रेज करते कि हाँ इसको छोड़ दो ताकि ख़ुद निकाह कर लें, बल्कि आपने कुरान की आयत है कि जहाँ आपने फरमाया कि आप इसको रोक के रखें अपनी बीवी को, इसको ना वो करो जी। लेकिन जब गोया कि यूँ कहना चाहिए कि निभा मुमकिन ना रहा तो फिर ज़ाहिर है कि अलहदगी होगी और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारी शादी ज़वज ना कहा, हमने तुम्हारी शादी उनसे ज़ैनब से कर दी। तो वो जो पहली जनाब ज़ैनब की शादी थी जनाब जैद से, वो भी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से हुई थी, जिसके लिए वो 36वीं आयत में आया कि ये अल्लाह ने फैसला कर दिया तो अब इस इंसान को कोई अख्तियार नहीं। और जनाब जैद से जो उनका अलहदगी हुई वो भी अल्लाह और रसूल के हुक्म से हुई, क्योंकि उनमें आपस में बन नहीं रही थी। पहला हुक्म तो ये था कि रोक के रखो, फिर ये वो जब नहीं बन रही है तो छोड़ दो। फिर तीसरी जो बात है वो ये कि जब शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो वो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़वज ना कहा, हमने उसको तुम्हारी ज़ौजियत में दे दिया। तो उसका मतलब ये है कि वो भी अल्लाह तबारक ताला का ही फैसला था, ये मुसलमानों को समझना चाहिए। और मुस्तशरकीन ने और उनके इत्तबा में बहुत से भोले मुसलमानों ने भी, हम यही कहेंगे, इस बारे में बहुत कुछ अफसाना तराजियाँ जो हैं वो अपनी उसमें किताबों में और उसमें कर दी हैं। अल्लाह तबारक ताला उन हफवात से हमें महफूज रखे और वो करें। अब यहाँ वो जो परसेप्शन था कि मुँह बोला बेटा जो है वो बेटा है और उसकी बीवी जो है वो बहू है, तो इस आयत मुबारका में उसकी नफ़ी की गई। क्या फरमाते हैं आयत में ये कहा गया कि माँ का ना मोहम्मदन अबा आहदिन मिन रिजालकुम, कि अब जो शादीशुदा है जिसके औलाद हो सकती है सब कुछ है, वो रिजाल में शुमार होता है। अरबी ज़बान में सभी पैदा हुए हुए बच्चे को कहते हैं, तिफल जो है वो 7-8 साल तक का जो बच्चा चलता है उसको तिफल कहते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि 13 साल की उम्र तक भी तिफल का वो होता है, 7 साल के बाद वैसे ग़ुलाम कहते हैं, और उसके बाद फिर जब वो बलोगत की हद पार कर लेता है तो फिर रजुल का लफ्ज़ उस पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैद जो तुम में से एक रजुल है, एक शख्स है जिसकी शादी हो चुकी, ठीक है,
तो ये है कि उनमें से तुम में से किसी रजुल के वो बाप नहीं हैं। यहाँ अगर मुज़क्कर का जिक्र किया जाता, किसी बच्चे का जिक्र किया जाता, तो वो बात तो तारीखन गलत होती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी थे कि जो बचपन में ही जिनका इंतकाल हो गया। जनाब इब्राहिम आखिरी आपके बेटे हैं जो जनाब मारिया कुप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से हैं, तो उनका भी इंतकाल 1.5 साल की उम्र में हो गया था। तो अब इब्न के उसमें और वलद के उसमें कैटेगरी में आने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा नहीं था कि जो बाकी हो। और यहाँ नफ़ी की जा रही है जनाब जैद की इब्नियत की कि उनको इब्न मोहम्मद कहा जाए, तो आप फरमा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो तुम में से किसी के किसी रजुल के किसी मर्द के बाप नहीं हैं। ठीक। अच्छा, अब जब इस उसकी नफ़ी कर दी गई तो ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन थी जिसको सिर्फ बात से नहीं ख़त्म किया जा सकता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जनाब ज़ैनब से शादी की ताकि इसका अमली रद जो है वो आ सके, और फिर इस बात को ये कह के कि वो वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, ये कह के इस बात को इंडोर्स किया कि ये हुक्म अपने तलकाय नफ्स से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है और ये अमल अपनी ख्वाहिश है उसके तहत नहीं दिया है, बल्कि ये अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि ये हुक्म अल्लाह ताला का है, मैं बयान कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान फरमा रहे हैं, तो ये जो आपका फरमान है वो कयामत तक के लिए है। कयामत तक के लिए, जैसे मैंने इंट्रो में एक बात कहने की कोशिश की थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे हलाल करार दे दिया वो कयामत तक के लिए हलाल है, और जिसे हराम करार दे दिया वो कयामत तक के लिए हराम है। चुनाचे रिवायत में है ना कि हलाल व मुहम्मदिन हलालुन इला यौमिल कयामत, सुभान अल्लाह, हराम व मुहम्मदिन हरामुन इला यौमिल कयामत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर खत्म नबूवत का खास तौर पर जिक्र हुआ, रसूल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे खत्म नबूवत, कोई रसूल कोई पैगंबर कोई नबी कोई किताब नाज़िल नाज़िल, और हम आखिरी उम्मत। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये बात पूरी दुनिया को समझानी थी, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान करीम में कि तमाम जहानों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए। अब ज़रा आते हैं कि यहाँ फौरन बात हुई रिसालत पर, गुफ्तगू फरमाना चाहते हैं तो आप ज़रूर फरमाइए, लेकिन उसके फौरी बाद ये, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद कोई रसूल नहीं, कोई नबी, कोई अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी, अल्लाह के रसूल फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मिसाल यानी उस शख्स की सी है कि जो जिसने एक इमारत बनवाई और उस इमारत में एक ईंट रख दी, लोग देखते इमारत बहुत खूबसूरत है लेकिन वो ईंट की जगह बाकी रहती, मैं वो ईंट हूँ अल्लाह के रसूल फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकमील फरमाई इमारत की। अल्लाहु अकबर, मैंने तकमील फरमाई इमारत की, इरशाद फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अजीब मकाम और मरहला है जी हाँ। बुनियादी तौर के ऊपर पहले तो हम एक बात ये अर्ज कर दें कि यहाँ रिसालत के साथ नबूवत का जिक्र क्यों किया गया। असल में ये बात कम लोगों को पता होगी, सामीन में से नाजरीन में से, कि यहूदियों में और मसीहियों में दो ये रुतबे चलते हैं, कुछ प्रॉफिट्स हैं और कुछ अपोस्टल्स हैं। अपोस्टल्स का तर्जुमा जो है वो नबी किया जाता है, और प्रॉफिट्स का जो तर्जुमा है वो हमारे वहाँ रसूल किया जाता है कि रसूल है। अच्छा, उसमें ये होता है कि बहुत से ऐसे रसूल गुजरे कि जिनके मातहत अपोस्टल्स थे, यानी प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिट के मातहत अपोस्टल्स थे। अब उन वो अपोस्टल्स हैं वो मातहत होते हैं, ये हो सकता है कि नबी दुनिया से चला जाए, रसूल दुनिया से चला जाए और अपोस्टल जो है वो बाकी रहे।
नबी जेब बाकिर है। इसका मतलब ये है कि एक रसूल के बाद नबी ही नहीं, अंबिया की गुंजाइश जो है वो उनके थियोलॉजी में वो बाकी रहती है। ठीक, इस्लाम में ऐसा तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उसके ज़रिए से, आय मुबारक के ज़रिए से प्रॉफिट्स का भी ख़ात्मा हो गया और उसके साथ साथ अपोस्टल्स जिनको ये लोग कहते हैं यानी लेसर डिग्री के अंबिया उनका भी, उनकी भी वो हो गए। और हमारी थियोलॉजी में ये है, हमारे अकायद मुसलमानों के, कि हर नबी रसूल नहीं होता। क्योंकि जब हम तारीख़ अंबिया को पढ़ते हैं तो हर नबी रसूल साहिब शरीयत नहीं हुआ, लेकिन जो रसूल है साहिब शरीयत वो नबी पहले होता है, उसके बाद वो होता है। लिहाजा उसकी नफ़ी करके इसको उसूल फ़िक्र में कहते हैं इस्तिसहाब। जैसे कुरान मजीद की आयत है ना कि वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, के वालिदैन को ना उफ़ कहो ना उनको झिड़को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उफ से छोटा कलमा होता तो अल्लाह ताला उससे भी मना कर देता। तो अब जब इतनी छोटी सी बात को कहने से मना किया है वालिदैन के लिए, तो बड़ा ही बातें यानी उनको सब शदम करना, उन पर हाथ उठाना, ये सब चीज़ें उसके तहत ही आ गईं और उन सब की मानियत हो गई। तो अगर यहाँ रिसालत की खात्मियत की बात ना भी होती, सिर्फ नबुवत की खात्मियत की बात होती, तो उसमें रिसालत की खात्मियत खुद ब खुद आ गई और आ जानी थी। लेकिन इस आया मुबारक में दोनों को ममजूज कर दिया गया। दूसरी जो एक बात है समझने की कि अगर कोई ये कहे कि भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे, साहिब शरीयत थे, उलुल अज़्म थे, कुरान मजीद में अंबिया में सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वह उनका है, हज़रत मूसा उनके कौम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको अंबिया अबुल अंबिया मानते हैं मुसलमान भी, तो वो बनी इसराइल के भी बाप हैं और वह हैं हमारे भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़ख्र किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आप मानते हैं कि उन पर इंजील नाज़िल हुई, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खसूसियत बनती है? हम यहूदी तो कहते हैं कि जो शरीयत मूसवी है जिसको तौरा कहा जाता है आमतौर पर, वो आखिरी शरीयत है और जो आखिरी मतलब ख़त्म नबूवत हो गई। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी नबूवत को वो नहीं मानते, मसीही उनको भी मानते हैं फिर उनके बाद नबी पाक को नहीं मानते। तो सवाल ये है कि हम कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उनके ख़त्म नबूवत के ऊपर तक पहुँचें या ज़हन इंसानी को हम पहुँचाएँ? तो हम यहाँ पे अगर इजाज़त दीजिए तो हम दो मिनट लेते हैं कि दो चीज़ें शरीयत की बुनियाद बनती हैं किसी भी दीन की, एक किताब और दूसरे रसूल। ठीक, वो बैन ही बिला कमो कास्त हम तक पहुँचे और जब तक वो चलेगा, जब तक वो शरीयत आगे चलेगी। ठीक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब हिस्ट्री के ऊपर हम नज़र डालते हैं, जो नॉन हिस्ट्री है, जो तारीख़ बयान की जाती है खुद यहूद की ज़ुबानी, तो वो अभी तक इस नतीजे पर भी नहीं पहुँचे, दलाइल नहीं ला सके कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई तारीख़ी शख्सियत थे भी या नहीं थे। उनकी तालीमात का जहाँ तक ताल्लुक है, उनका कोई सहीफ़ा जिसका कुरान मजीद जिक्र करता है, सोहफ़ इब्राहिम और मूसा किताबों का जिक्र करता है, सोहफ़ सहीफ़ा भी नहीं, सोहफ़ कई किताबें, उनका कोई अहले यहूद में कोई जिक्र मौजूद नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लिए आप, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बतफसील नकल कहीं भी नहीं हुई है, किसी किताब में नहीं है, ना तालमद वगैरह में है और ना बाइबल में और बाइबल के मुख्तलिफ वर्जन्स में, ना कुमरान ट्राइब के जो वो हैं स्क्रॉल्स उसमें मौजूद हैं। अब हम अगर पैरवी करें तो किस चीज़ की करें? ठीक, खुद तौरा जो है जिसको फाइव बुक्स ऑफ मोसेस पहले, या ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं हिब्रू टेस्टामेंट, उसकी कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये बहस ना हो कि इसका कौन सा हिस्सा वज़ई है, कौन सा जो है वो
मिस्री लिटरेचर से लिया गया है, कई से ऐसे हैं कि जो फिलिस्तीनी लिटरेचर से लिए गए हैं, और इस तरह से को बन गया। तो न किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद है, ना शरीयत जो है वो अपनी शक्ल में मौजूद है उनकी, ना नबी उनके जो नबी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हमारे लिए उन पर ईमान लाना वाजिब है, ना उनकी उनके खाने के अहवाल, उनकी पसंद नापसंद, आपके जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज़ मनकूल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मनकूल ही नहीं है। और इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, इसी तरह से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सिवाय चंद उनके जो वो भी रिवील्ड नहीं है, लोगों ने उनके जो हवारी थे उन्होंने उसको लिखा, और 60 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद। तो एक हक का मुतलाशी तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े थे, मैं उनकी पैरवी करना चाहता हूँ, लेकिन किस चीज़ की पैरवी करूँ। इसी सूरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी शरीयत, और हज़रत आले याकूब जो हैं उनके उसमें खड़ा हो जाता है कि तो ना उसके पास किताब है, ना सुन्नत मौजूद है, सीरत मौजूद है अम्बिया की। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए बैन ही यही वाक़ है। तो फिर इंसान इस दुनिया से चला जाए बग़ैर हिदायत के, बग़ैर उसके, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर घूम फिर के पलट के एक ही दीन के ऊपर नज़र पड़ती है जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, ठीक, कि जिसके नबी की एक एक जुम्बिशे हाथ तो जो है सब कुछ चीज़ें जो हैं, जुम्बिशे अबरू भी उसकी महफूज है कि आप मुस्कुराते थे तो एक एक अमल महफूज है, कयामत तक के लिए है, एक एक आपका वो महफूज है। इसी तरह से कुरान मजीद है, कुरान मजीद की जो आयात हैं वो उसी सूरत से महफूज हैं, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, करोड़ों अरबों की तादाद में उसके वर्जन्स मौजूद हैं जो पढ़े गए हैं, जो तर्जुमे मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। यानी अगर कोई इस वक्त आपके अंबिया के सिलसिले को देखे और वो करते करते अपनी डिससेटिस्फेक्शन शो करते करते जब आएगा तो रुकेगा इस्लाम पर, कि यहाँ तालीमात भी महफूज हैं, उसवा हसना भी महफूज है, किताब भी महफूज है, अकायद भी महफूज है, एक एक चीज़ जो है वो महफूज है। और हुजूर को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 1400 साल हो गए, ठीक। तो अब सवाल ये है कि अगर नबी के बाद नबी की, रसूल के बाद रसूल की जिस वजह से ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़रूरत मौजूद ही नहीं है, ठीक, ना रसूल की ज़रूरत मौजूद है, ना किसी नबी की ज़रूरत मौजूद है। तो जब मौजूद नहीं है तो अल्लाह ताला ने इसीलिए तो इस बाब को बंद कर दिया कि ना कोई रसूल होगा और ना कोई नबी होगा। इस तरह से यहूदियों और ईसाइयों का ये जो डबल एक वो था उसको भी ख़त्म कर दिया, और इम्कान नबूवत और इम्कान रसालत को भी हमेशा के लिए दरवाज़ा क़यामत तक के लिए बंद कर दिया। जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो ख्याल जहन में आया कि ये 1,24,000 अंबिया तशरीफ़ लाए, किसी एक रसूल ने, किसी एक नबी ने ये दावा नहीं किया कि दीन मुकम्मल हो गया। बिल्कुल, सल्लल्लाहु वसल्लम के कुरान करीम में आयत मौजूद, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, दीन मुकम्मल हो गया। और जो बात आपने किताब के हवाले से बात फरमाई, आप तो फिया कुतुबुल कय्यमा, उस पर भी बात हो सकती है, बिल्कुल, कि ये तो ये कुरान तो बल्कि साबिका किताबों के लिए मुहैमिन है, उनका निगहबान है, लेकिन किसी भी रसूल का उम्मती कसम खाकर ये बात नहीं कह सकता कि मैं वही किताब पढ़ रहा हूँ जो मेरे रसूल ने पढ़ी माँ सिवाय हमारे और आपके, कि हम वही किताब पढ़ रहे हैं जो हमारे रसूल ने पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी रसूल का, किसी भी नबी का पूरा उसवा सामने नहीं है माँ सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। 2.5 बरस मसीह अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम कहीं पे भी कहीं यकजा शक्ल में कोई उसवा मौजूद नहीं। अच्छा, एक और बात था कि मैं और वाजे यानी आपसे सीखें हम कि उसवा हसना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे को भी कुरान करीम उसवा हसना करार दे रहा है, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि कुरान मजीद जो है, जैसे आपने
कहा कि कुरान की आयत है कि फी ये कुतुबुन कय्यमा, कि इसमें जो साबिका किताबें हैं, साबिका कवानीन जो दिए गए, शराय दिए गए, वो सब के सब इसमें जमा हो के मुकम्मल हो गए, पहली बात तो ये होगी। अब इसका मतलब ये है कि हम कोई भी किताब उठा के देखें जिसके मनजर मिन अल्लाह होने का दावा किया जाता है, उसका जो जो कंटेंट इससे मिलता जाएगा, कुरान से मिलता जाएगा, उसको हम मानते चले जाएंगे, और जो कंटेंट इससे नहीं मिलता, इसका मतलब ये कि वो उनकी असल किताब में भी मौजूद नहीं था। सुभान अल्लाह। इसी से इस बात ये बात समझ में आती है कि जहाँ ये कहा गया कि वह लजीना माओ, वहाँ भी आया कि जो हज़रत इब्राहिम और उनके साथ जो लोग थे उनका उसवा जो है वो तुम्हारे लिए उसवा हसना, तो वो अबुल अंबिया थे और उनका उसवा भी वही था कि जो कुरान मजीद ने उनके बारे में जिस तरह से बयान किया है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जेनेसिस में या उसके बाद, तो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नाउज़ुबिल्लाह एक मेंटली इम्बैलेंस शख्सियत के तौर पे सामने आते हैं कि जो कभी घबरा के बैतुल मक़दस की छत के ऊपर चढ़ गए, वहाँ से जो हैं वो कर रहे हैं, फिर न फरिश्ता आ रहा है उनको बता रहा है कि देखो ये इतनी तुम्हारी औलाद होगी, ये होगा। कभी जो है वो उनकी कोई कैफियत है, वहाँ से निकले हिब्रॉन से मिस्र पहुँचे, मिस्र में अपनी बीवी जो है उसके साथ बहुत सारे किस्से बाइबल बयान करता है, लौंडियों के साथ किस्से बयान करता है और बहुत सारी चीज़ें। तो उनका ये बता रहा है कुरान मजीद इस आयत मुबारका में कि जो उनका उसवा ये लोग बयान करते हैं वो बुनियादी तौर पर उसवा सहीया है, असल में तो उनका उसवा हसना था कि जिसको कुरान मजीद ने बयान किया और उनके वो दलाइल नकल किए कि जो तौहीद पर ज़ात बारी ताला की उसके ऊपर और हयात बाद ममात के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर हैं, इसको कुरान मजीद जो है वो इंडोर्स कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि वो चीज़ें फिर बाद में जाके उनकी तकमील हुई है बयान के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुई है और लिहाजा वो आयत नाज़िल हुई लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि अभी तुम हज़रत इब्राहिम की जितनी तुम्हें मालूमात है वहाँ तक न बैठे रहो बल्कि उसके आगे चलो, और ये नबी जो है इसका उसवा जो है वो उसवा हसना है, ये खातमुन नबीयीन है, इसके ऊपर ईमान लाना और इसके कहे पर इसके उसवे के ऊपर अमल करना वाजिब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर ये कि मीसाक तमाम अंबिया के वो भी एक दलील यहाँ पर कि तमाम अंबिया के मीसाक, उस पर भी आपसे बात करवाऊँगा। मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, नबुव्वत का दावा करेंगे, इरशाद फरमाइए कि अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर अगर हम इस बात को समझ लें कि शरीयत हमारी मुकम्मल है यकीनन, और शरीयत हमेशा नबी के ज़रिए से आती है, और फिर हम ये भी इसको समझ लें कि वो नबी भी हमारा ज़ाहिर है मुकम्मल है, और हम इस बात को भी समझ लें कि ये खातमुन नबीयीन हैं, इनका उसवा जो है वो कामिल है, अगर हम इस बात को समझ लें तो कोई भी शख्स कितने ही शोबज़ेबाजी के साथ खड़ा हो, किसी किस्म का कलाम जो है वो वज़ा करना शुरू कर दे, कुछ भी हो, हम वाज़े तौर पे कह सकते हैं कि ये जो है ये कज़्ज़ाब है। ठीक, इसलिए कि जो चीज़ हमारे हाथ में मौजूद है और जो चीज़ जिसको हम समझते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस उम्मत का बाप हूँ। ठीक है, अब अगर कोई शख्स जो है वो बाप के मुकाबले में, ठीक है, जिसने बिल्कुल शुरू से पैदाइश भी उसके बताए हुए अहकाम के मुताबिक हुई, ठीक है, उसके बाद वो पला बढ़ा तो उसकी रिजात जो है वो भी अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक हुई, उसने बाप को मस्जिद जाते देखा तो उसके साथ पीछे पीछे मस्जिद गया, जो इस तरह से बड़ा हुआ हो उसके सामने कोई दूसरा आदमी लाकर रख देंगे तुम्हारा बाप ये नहीं ये है, रसूल ये नहीं ये है, नऊज़ुबिल्लाह, तो किस तरह से अक्ल इंसानी उसको तस्लीम करेगी। इमाम अबू हनीफा का कौल अल्लाह अकबर
कि खत्म नबूवत के हवाले से अगर किसी ने कोई दलील भी मांग ली तो वो भी काफिर है। वो भी काफिर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहरहाल वो जो मेरा आपसे जो सवाल था कि जितने ये कज़्ज़ाब आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 30 कज़्ज़ाब आएंगे, कज़्ज़ाब जाहिर झूठे होंगे, नबूवत का दावा करेंगे, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। एक और बात याद आई, तबूक का मौका, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, और आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं हजरत अली करबला वजहों से, जब तबूक रोका गया कि आप यहीं रहिए, आप तो हजरत अली करमल्ला वजह शेर खुदा जुल्फ़ार जिहाद पे जाना है, तलवार के जौहर दिखाने हैं, मैं यहाँ रहूँगा ये औरतों और बच्चों के साथ, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद कि अली अमा तर्ज़ा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला ला नबी बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इरशाद तुम्हें मुझसे वही नस्बत है, क्या तुम इस पे अली राजी नहीं हो कि तुम्हें मुझसे वही नस्बत है कि जो मूसा की फिरौन से थी, इल्ला ला नबी बाद, इस वजह से कि मेरे बाद मूसा की हारून से थी। हाँ। दोनों के एक दूसरे से थे। हाँ। इल्ला ला नबी आबादी इस सिवाय इसके कि मेरे बाद मूसा के बाद तो नबी हुए लेकिन मेरे बाद कोई नबी जो है वो नहीं होगा। तो तुम कायम मकाम, मैं नबी और मैं खातिमुन नबीयीन, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न फरमाते आखिरी जुज़ तो लोगों को शुबा हो सकता था, वो इसको ईमान वो कर सकते थे कि वहाँ हज़रत हारून जो थे वो बाद में नबी बने मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक, तो शायद हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो नबूवत के मनसब पे कोई फायज़ होंगे, तो इसकी भी जड़ से कलाकामा कर दे इस कॉन्सेप्ट का, इल्ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल तसव्वुर वाज़ेह हो गया ख़त्म नबूवत माँ काना मोहम्मद रसोल्ला है व ख़ातमुन नबीयीन, बिल्कुल वाज़े बात हो गई। अब सवाल आपकी खिदमत में टू डूज के हवाले से, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए टू डूज ना कुछ करने के काम के, हमारा ये अकीदा है, पक्का अकीदा है, लेकिन ख़त्म नबूवत के कुछ तकाज़े भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन मानने का पहला तकाज़ा ये है कि पहले तो वही हम कहेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की पूरी मारिफत हासिल की जाए, ताकि ये जो फितनों का दौर है जहाँ तरह तरह के तावीलात करके और शरीयत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, उससे इंसान महफूज रहे। पहली बात तो ये, ऐसा लगता है बाज़ दफ़े बाज़ हज़रात को सुन के कि शायद कोई नया नबी आ रहा है, कोई नई नबूवत और रिसालत जो है नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह वो कायम होने जा रही है, कि शरीयत में कमी की जा रही है, शरीयत में इज़ाफ़ा किया जा रहा है, यानी इंटरप्रिटेशंस के ज़रिए इंटरप्रिटेशन नई इंटरप्रिटेशंस मुतारिफ़ करवाई जा रही है। तो उससे दूर रहने के लिए, उससे बचाव का सबसे बड़ा वो ये है कि दीन की तकमील के ऊपर, इत्माम नेमत के ऊपर, कुरान मजीद की बका के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन होने के ऊपर कामिल ईमान हो और इसकी मारिफत इंसान हासिल करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ अपने तक रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, लोगों को इस जादे के ऊपर मुस्तकिल कायम रखना, उसके लिए दामे दरमे सुखने किताबों के ज़रिए से, तकरीरों के ज़रिए से उसको वाज़े करते रहना, आपकी नबूवत के दलाइल को वाज़े करते रहना, और जो चीज़ें मुजज़ात के ज़रिए से आपका और जो चीज़ें हैं बयान हुई हैं, ताकि उम्मत मुसलमा इस वक्त जिस फिक्री बहरान में घिरी जा रही है वो उससे महफूज रहे। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि ख़त्म नबूवत का तकाज़ा ये कि जब ये बात मान ली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो फिर अब किसी किस्म की तवक्को किसी दूसरे से हिदायत की करना
उस तवक्को से बाहर निकल आना चाहिए कि फलां आएगा और फलां वो होगा, वो हमें कोई नया रास्ता दिखा देगा और हम तो ऐसे हो जाएंगे वहाँ। यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी जो तसव्वुर है इस्लाम में, जो अकायद में से है, उसका इनकार कुफ्र करार दिया गया कि जब भी वो तशरीफ़ लाएंगे वो किताब और सुन्नत का अहया करेंगे, वो यमलउल अर्ज़ा बिल अदले वल किस्ते कमा मुलियत जुल्मन व जौरा, वो जुल्म और जौर से जैसे दुनिया भर चुकी होगी उसके मुकाबले में अदल और इंसाफ से दुनिया को भरेंगे और अहया करेंगे किताब का और सुन्नत का। ठीक, तो किताब तो हमारे पास मौजूद होगी और इंशाल्लाह कुरान में जीत ताकया में क़यामत बाकी होगा, फिर कुरान का अहया क्या करेंगे। और इसी तरह से सुन्नत तो लाखों किताबें हज़ारों किताबें अहदीस की और सुन्नत के ऊपर उसके तशरीह के ऊपर मौजूद हैं, फिर वो सुन्नत का अहया क्या करेंगे। वो इन्हीं हश्व ज़वायद से कि जो तावीलात और वो उसमें शामिल कर दी गई हैं वो की जाएंगी, उन सब से उनको पाक करेंगे और बताएंगे कि कुरान ये है और कुरान की जो शरह है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और आपका उस्वा हसना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हश्व ज़वायद हैं, जिसमें फ़िक्र के नाम के ऊपर, तजदीद के नाम के ऊपर, माशरे से हम आंग करने के नाम के ऊपर और मुख्तलिफ नामों के ज़रिए इसमें वो कर दी गई। इसीलिए रिवायत में ये भी आता है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए हैं कि आप सबसे ज़्यादा उनको कत्ल करेंगे, आपके हाथ से कत्ल होने वालों में सबसे बड़ी तादाद उनकी होगी जिनको उलमा कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जो उलमा के भेस में कुरान और सुन्नत की का जो असली चेहरा कुरान में उसका है इस्लाम का, उसको वो मस कर रहे होंगे और लोग उन पे एतबार इसलिए कर रहे होंगे कि इनका जो वो है वो इस किस्म का हुलिया है। तो हमें अपने दौर में इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम हुलिये पर न जाएं, हम टोपी पे, अमामे पे और रवा पे, कवा पे न जाएं, बल्कि ये देखें कि ये बात कुरान और सुन्नत के करीब है या नहीं है, उससे तायद होती है या नहीं होती, सनद मिलती है कि नहीं। और वो उसी वक्त होगा कि जब खुद कुरान को अपनी हिर्ज़े जहाँ बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बात फरमाई और ये उम्मत के हवाले से, हम सब जो उम्मती हैं और इस ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा हैं। लेकिन ये ख़त्म नबूवत तो यूनिवर्सल है ना, ये तो या युवा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, तो ये ख़त्म नबूवत को कौन है मुसलमान, कौन है मुसलमान जो नहीं मानता इस बात को। हम सब, हमारा ईमान है, हमारी ये ज़िंदगी मौत का मसला है हमारी, ये बिल्कुल इस ख़त्म नबूवत के तसव्वुर को जैसे कि आपने बिल्कुल वाज़े कर दिया, कोई उस्वा नहीं, कोई रोल मॉडल नहीं सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी रसूल के उम्मती के पास। ये बहुत ज़बरदस्त बात है जो आपने फरमाई, इस बात को वहाँ तक पहुँचा दिया जाए कि जहाँ तक ये बात नहीं पहुँची कि देखो निजात अगर है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है, दीन कबूल कर लेने में है। या अय्युहन्नास, आपसे कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह आपसे फरमाया जा रहा है, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए इन लोगों से कि मैं तमाम कायनात के लिए रसूल बना कर भेजा गया हूँ। इस तबलीग की बुनियाद दो चीज़ें होंगी, अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने का तसव्वुर कि उसकी नेमतों से हर लम्हे फ़ायदा पूरी दुनिया उठा रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतन लिल आलमीन होने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो तसव्वुरात जो हैं इनको रियलाइज़ करके, इनको मटीरियलाइज़ करके अगर दुनिया को किया जाएगा तो वो ख़त्म नबूवत पर वैसे ही मान लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब्बुल आलमीन और रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ उन तक पहुंचाया जाए जिन तक ये तारुफ नहीं पहुंचा, और ख़ुद एक नुमाइंदा बना जाए अपने इल्म और अपने किरदार के ज़रिए। और आपने रहमतुल लिल आलमीन की बात फरमाई ना, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो दीन का पैगाम आम कर रहा है, जो दाई दीन है, उसके किरदार में नज़र आए ये बात कि ये रहमत का
की अलामत है, ये रहमत लेकर आ रहा है हमारे पास, वो दीन की शक्ल में हो या उसकी किरदार की शक्ल में। हमें यह भी देखना होगा कि हम उस रहमत की कोई छींट हमारे पास आई है या नहीं आई। अगर इजाज़त हो तो छोटा सा नबी पाक के दौर का, वो कि एक नौजवान थे वो ईमान ले आए, वालिदा उनकी बूढ़ी थी, वो ईमान नहीं लाई थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी वालिदा अभी साबिका उसके ऊपर हालत पे है, तो मैं उसके साथ क्या सलूक करूँ, मैं तो ईमान ले आया। आपने कहा जितना हुस्न सलूक तुम करते थे उससे ज्यादा उनके साथ करो, बस शिर्क की दावत दे तो शिर्क ना करना। चुनाचे वो ज्यादा उसकी खिदमत में लग गए, तो उन्होंने पूछा क्या बात है तुम्हें ये तब्दीली क्यों आई हो, कहा कि मेरे रसूल ने मुझे ये हुक्म दिया कि तुम माँ हो इसलिए तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो। सुभान अल्लाह। उसके नतीजे में वो औरत जो है वो इसी रहमत के सिलसिले में वो औरत जो थी वो भी मुसलमान हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस नौजवान ने कहा कि मेरे रसूल का हुक्म है, तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकामात हैं, तो उन पर अमल पैरा होकर ही हम निजात हासिल कर सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं और जन्नत के अहल बन सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा, वो तो मिल ही जाएगी अगर हमने ये सब कर लिया जी, तो उसकी तमन्ना भी करने की जरूरत नहीं, वो तो मिल ही जाएगी। बस बस ये अमल करना जरूरी है और इसका जो हासिल है वो जन्नत ही है। लेकिन क्योंकि दुआ सिखाई गई है कि जन्नत के लिए दुआ मांगते रहा करो। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रगुजार, बड़ा ममनून आप तशरीफ लाए। खवातीन हज़रात वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का और हमने आज भी डॉक्टर साहब से बहुत सीखा। खवातीन हज़रात बहुत सी गुफ्तगू मज़ीद हो सकती है, बहुत बड़ा मौजू, लेकिन वक्त मुकम्मल हो गया हमारे आज के प्रोग्राम का। क्विज कल का सवाल हमारा ये था कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस गज़बे में हुई। दुरुस्त जवाब गज़बे उहद में। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मस्जिद की तामीर करवाई, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मस्जिद हराम या मस्जिद कबा। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009-221-345-27009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009-221-343-00980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniyatv.tv। हमारा एसएमएस का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 009-2-321-825-0194। वक्त कुरानदाजी का। मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब के दस्ते मुबारक से एक पर्ची बरामद हो रही है और आज के मिनट के नाम का ऐलान हो रहा है। ये मोहम्मद बिलाल अशफाक साहब हैं। कहाँ से? ये फेस्को ग्रिड स्टेशन बेहरा डिस्ट्रिक्ट। बेहरा? अच्छा, बेहरा से हैं। डिस्ट्रिक्ट सरगोधा। मोहम्मद बिलाल अशफाक साहब बेहरा से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बजरिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कॉल पर और वह कॉल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं खुद पसंदी से बढ़कर कोई वहशत नहीं, खुद पसंदी से बढ़कर कोई वहशत नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।